हे गाइस, संजीरो ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। आ गया एक और नए ब्लॉग के साथ। और मैं अभी हूँ होटल नेपालीरी का, जो कि है विराट चौक नेपाल में। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। और ये है होटल नेपालीरी का, हमने पहले भी आए हैं यहाँ पर। ये देखो, उधर पूल है और जा रहे सामने। आज का दिन भी काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा आज के दिन में भी। देखते हैं और क्या क्या होता है, जैसे भी है। फिलहाल तो चलते हैं सामने की ओर। गाइस, यहाँ नेपालीरी का होटल में ना सब चीज़ का सुविधा है। एक्चुअली ये 3 स्टार होटल है, तो यहाँ तो सब चीज़ का सुविधा होगा। मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ का मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो पूल। छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, बट इसका पूल जो है ना ज़बरदस्त है। मतलब आपको दिखाता हूँ पूल साइड, जैसे इस साइड में बार एरिया है, ऊपर में भी है बार एरिया। और मतलब ज़बरदस्त है यहाँ का होटल, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है बार एरिया इस साइड, आप देख सकते हो। और ये है अपना पूल, ऊपर में जिम है इस साइड। और अभी तो मैं यहाँ बैठ के रिलैक्स करने वाला हूँ काफ़ी देर। ये बच्चे लोग के लिए है और ये है बड़े लोग के लिए। मस्त है यहाँ तो। ये पूल साइड तो आप देख ही लिए हो, काफ़ी अच्छा है यहाँ। तो उस साइड में चलते हैं, मेरे को और थोड़ा रिसेप्शन के पास जाना है, छोटा सा काम है वहाँ पर। और सारे लड़के लोग भी उधर ही है, देख लेते हैं। बाकी ना कुछ भी बोलो यार, ज़बरदस्त लगा मेरे को यहाँ का जो बार में ना। यहाँ पर मैं पहले जब आया था, मैं यहाँ कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ट्राई किया था, और यहाँ कुछ टीजर्स वगैरह भी काफ़ी टेस्टी है यहाँ का बेवरेजेस से। और ये है अपना फेवरेट सा झूला। उस बार पता है क्या हुआ था, ये ऊपर से ना, ये ऊपर में ये पलट गया था, पर इस बार नहीं पलटेगा यार। काफ़ी अच्छा है ये झूला, मतलब शानदार है भाई। और मतलब कभी भी इस, मतलब काफ़ी रिलैक्सफुल है। देखो यहाँ पर देखो, और मस्त यहाँ। और मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता दूर से कि झूला दिखता कैसे। बट सब पार्टनर लोग आ जाने तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे है। बाकी ज़बरदस्त है भाई, यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ही आ गया है राजा। तो अभी इसको लग रहा है भूख, मेरे को उतना तो नहीं लगा है, पर चलते ऊपर देखते हैं क्या है। चलो अभी अच्छा खासा ऊपर में भी जाते हैं। अभी 2 बजने वाले 2 बजे। मैं तो खा, मैं तो सुबह सुबह उठ के खाया था, फिर रमपम खाया था। तो अभी तो फिलहाल जा रहे ऊपर, तो ऊपर में देखते हैं क्या है, फिर खाएंगे। अब मेरे को बहुत तेज भूख लग रहा है। तो राजा लोग पहले से यहाँ पहुँच चुके हैं खाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा से टेबल तो सजाया हुआ है, बट देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। यहाँ पड़े राजा लोग, क्या ऑर्डर करने के लिए, क्या देख लिया अली, क्या ऑर्डर करेंगे? भूख लग रहा है भाई। फिश करी करेंगे। फिश करी कर सकते हैं आपको कुछ क्या खाए यहाँ पर देखो कुछ बज रहा है। ओ भाई, चीसो पानी, चीसो पानी तो ठंडा पानी, पानी नहीं भेज, नॉन वेज ऑर्डर करो आज। आज तो तुम्हारा ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाएगा भैया, अब क्या करोगे? हाँ, प्लेन राइस कितना कर दो सर? रोटी, रोटी खाएगा ना? रोटी नहीं, चावल ही है हम लोग का लिए। चिकन करी यार, फ्रेश है चिकन करी, इसका चिकन नॉर्मल चिकन। चिकन करी कितने का है? चिकन करी 3 रुपए का है। चिकन करी फ्रेश 3% का है। ए यार, मांस का साथ है, हमें मांस का साथ दरकार भी सर। वीडियो अच्छी किंतु तुम्हार मुखे रिपोर्टेशन खराब अच्छे है। अभी मांस का साथ खाओ, अनेक दिन खाई नहीं। नेपाल अच्छा, चिकन करी बोलते हैं उसको। अच्छा ठीक है, चपाती लेगा, चपाती लेगा। मेरे को ना काम करो, वेज में उसको आपको भी राइट कर दो। हवाला राइट कर दो। वेज में क्या है कुछ खास? मेरे को ना पनीर टिक्का तो नहीं चाहिए, दाल मखनी और साथ में कुछ कर लेते हैं। दाल मखनी रहने दो फिलहाल।
देख लेते हैं, दाल मखनी नॉर्मल दाल। मैं देखो क्या गाना चल रहा है इसमें, तेरा घाटा तेरा भी घाटा शुभम तेरा भी घाटा, अच्छा इसका घाटा। खाना कब तक आएगा? आउचू खाना आउचू या कुछ नहीं जाता। खाना आ गया यहाँ पर, मेरे लिए दाल मखनी, इन लोग के लिए चिकन, राइस, चपाती, सलाद, यहाँ पर सब रेडी है, एकदम रेडी है भाई। यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, तेरे को अच्छा लग रहा है शुभम? यहाँ दाल मखनी भी ठीक ठाक है, एवरेज, मैं बहुत टेस्टी तो नहीं बोलूँगा। लंच अपना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मिलेंगे नीचे में, काफ़ी कुछ है आज के दिन में, मज़ा आएगा। मेरा लंच कंप्लीट हो चुका है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, ज़बरदस्त है भाई यहाँ का व्यू। ओ भाई अब मैं चलता हूँ नीचे, इसके बाद जाऊँगा थोड़ा पूल साइड में, मज़ा आएगा, तो देखते हैं पूल साइड में। फिलहाल तो चलते हैं लिफ्ट, लिफ्ट को बुला लिए, आता है लिफ्ट अपना, फिर चलेंगे नीचे। हम लोग होटल नेपाली रिका के नीचे में हैं अभी, हम लोग का यहाँ रूम भी है 107, उस पर है राजा लोग अभी फिलहाल। क्या भी करना है मेरे को, तो एक दो घंटे में यहाँ से वापस रूम पे जाना है। और ये है, देख सकते हो इसका इंटरफेस, और इस साइड में कितना सारा देश का झंडा है, साइड में देख सकते हो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इसके बाद ये वाला कौन सा देश का है नहीं पता, इसमें कौन कौन सा और भी है, कुछ पाकिस्तान वाकिस्तान का भी है। ऑसिम बैठा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पूल साइड चलेगा? हाँ चलो, चलते हैं यार। ना यार कपड़ा ले आता ना तो पक्का नहाता आज पूल पे, तो कपड़ा तो मैं लाया नहीं हूँ, और घर पे यहाँ मेरा रूम है वहाँ मैं गया भी नहीं हूँ, तो कपड़ा ले आता तो आज पक्का हम लोग यहाँ पूल पे नहाते, मज़ा आ जाता। बट क्या करें, कपड़ा लाया नहीं है, तो बैठते हैं पूल साइड पे। फिर से आ गया हूँ पूल साइड पे, ये है अपना पूल। ओ भाई अच्छा है, कितना हो रहा है राजा? 4:30 हो रहा है ना, तो 6 बजे तक रुकेंगे यहाँ, और क्या। अच्छा था यार होटल, खाना ठीक ठाक था, एवरेज, प्राइस के हिसाब से मेरे को नहीं लगता बहुत अच्छा खाना था, जैसे भी है चलते हैं। हम लोग जाने वाले थे बट थोड़ा सा रुके हैं, और शाम भी हो गया यहाँ, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी शाम हो जाता है, 5 बजे तक शाम हो जाता है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ यार पूल कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस ये है पूल, यहाँ पर से पूल को देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत है। इस साइड बच्चे वाला, और ये अपना, पर मैं तो लाया नहीं हूँ, फिर नेक्स्ट कभी आएंगे तो आएंगे, प्लस पूल में नहाने आएंगे यहाँ पर। और काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ का पूल, देख सकते हो आप, कलरफुल कलर होने के बाद पूल का ना खूबसूरती और ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। बट शाम भी हो गया, अब हमको घर भी जाना है जल्दी से जल्दी, देखते हैं कितना बजे तक घर जाते हैं। मैं काफ़ी देर से बैठा था यार यहाँ पर, देखते यार मैं यहाँ, देखो काफ़ी देर से यार पूल में बैठा था, और यहाँ बैठ के ना मैं मस्ती कर रहा था, ये देखो ऐसे, अब पूल ना देखो कितना खूबसूरत हो गया पहले से, बहुत ही ज़्यादा भाई। और ये है अपना मस्ती, और एक्चुअली क्या है ना, मैं कपड़ा लाया नहीं हूँ तो मैं पूल में नहा नहीं सकता, और मैं अगर कपड़ा ले आता तो पूल में नहाता, बट यहाँ बैठ के बहुत देर से इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ही देर हो गया भाई, मज़ा आ रहा है, बस ओवरऑल मज़ा आ रहा है। शाम हो रहे हैं 7:30, अभी मैं यहाँ क्या हुआ, मैं एप्पल जूस का मज़ा ले रहा हूँ, ये एप्पल का नहीं है जूस, ये सही है, ऑरेंज से तो अच्छा है, ऑरेंज मैंगो एकदम घटिया, मतलब मेरे को पसंद नहीं आता है, बट ये सही है मेरे को। अब हम लोग का घर जाने का वक्त आ गया है, देखते हैं कितना बजे तक हम लोग चलते हैं यहाँ से, जैसे भी है फिलहाल तो मैं जूस को इंजॉय करता हूँ, उसके बाद चलेंगे यहाँ से।
बैठा हूँ यहाँ पर, अपना पीछे में सारा देश का झंडा है, यहाँ पर फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। और इस साइड में बैठा हूँ नेपाली रिका का जो बीच है, मतलब गार्डन है, यहाँ बैठा हूँ, बीच बोल रहा हूँ। और मतलब क्या है ना, बहुत सारा मस्ती जो करते हैं और बहुत कुछ ब्लॉग के बीच में भी होता है जो हम दिखाते नहीं या होता नहीं है, जैसे भी है, बट यहाँ बैठने में काफ़ी सुकून सा फील हो रहा है। और यहाँ पर देखो भाई, पीछे में अपना होटल है, और यहाँ बैठने का अलग ही मज़ा है जैसे भी बोलो। बट देखते यार, घर जाएंगे हम लोग, ड्राइवर का वेट कर रहे थे, देखते हैं कब तक आता है, जैसे ही आता है वैसे हम लोग जाएंगे यहाँ से। बस अब कल जो है ना, मेरा फ़ोन का बैटरी फिर से डेड हो गया था, और हम लोग आए थे नेपाल का होटल में, काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।